राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे ने पत्रकार वार्ता लेकर राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ प्रवास को लेकर तंज कसते हुए कहा कि आज राहुल गांधी छत्तीसगढ़ आए हैं। उन्होंने बिलासपुर में मुख्यमंत्री आवास योजना का शुभारंभ किया। कांग्रेस सरकार ने 16 लाख से ज्यादा लोगों को आवास न देकर विश्वासघात किया है। टी सिंहदेव ने खुद कहा था कि मुझे दुख है कि 16 लाख लोगों को पीएम आवास नहीं मिल पाया, इसी वजह से उन्होंने पंचायत विभाग से इस्तीफा दे दिया था। आज उन्होंने एक नया झूठ फिर से परोसा और आज उन्होंने मुख्यमंत्री आवास योजना की घोषणा करी और मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान बांटने का जिन्होंने शुरुआत की है, वो नेता जो भारत की राजनीति को बहुत कम समझते हैं, सीख रहे हैं, फैंसी ड्रेस प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं, उनको यहाँ पर बुलाकर फिर से उन्होंने शुरुआत कराया। कभी वो कुली बन जाते हैं, कभी वो मैकेनिक बन जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है कि वो बनना क्या चाहते हैं। उम्र के इस दौर में जो आदमी ये तय नहीं कर पाता कि उसे क्या बनना है, क्योंकि अब तो अधेड़ के बाद आदमी की परिपक्वता दिखाई देनी चाहिए,